एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पहले भी आतंकवादियों को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में हमला करने वालों को सजा दी जाएगी। संसद पर हमला करने वाले युवक बेरोजगार हैं, पर इस तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इससे पहले भी वो आतंकवादियों को सम्मान देकर बात कर चुके हैं। संसद में जिन युवाओं ने हमला किया, इससे बेरोजगारी का क्या संबंध? बेरोजगारी है तो क्या पार्लियामेंट पर हमला करेंगे? जगदीश देवड़ा ने कहा, इस विषय को बहुत गंभीरता से गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है और पार्लियामेंट के अध्यक्ष की जांच जारी है। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मुझे लगता है इस प्रकार का वक्तव्य देना मुझे नहीं लगता है कि कोई तर्क संगत है। अब दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन वो आतंकवादियों को भी अगर कोई सम्मान देकर के बात करते हैं, ये तो पहले भी कई बार छप चुका है, तो इससे ज़्यादा क्या आप उसकी सुरक्षा को लेकर के वो बेरोजगारी से इसका कहाँ तुलना कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी है इसलिए वहाँ उस पर करेंगे, हाँ पार्लियामेंट पे करेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदार हैं वो, बहुत वरिष्ठ नेता है, जिम्मेदाराना मुझे नहीं लगता कि ये कोई वक्तव्य है भाई। इसको बहुत गंभीरता से लिया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है और लोकसभा के अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सबने समाचार पत्र में पढ़ा है, इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और गंभीरता से इसका निराकरण होगा, जांच होगी, दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।